हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम फ्लैश टाइप एडीसी डिस्कस कर रहे हैं, यानी फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मैंने आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में बेसिक फर्स्ट लेक्चर बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि चार टाइप के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होते हैं, जिसमें काउंटर टाइप एडीसी, तो हमने काउंटर टाइप एडीसी कवर कर लिया है। ये सेकेंड है फ्लैश टाइप एडीसी, यानी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी, और फोर्थ होता है डुअल टाइप एडीसी, इसमें डुअल स्लोप इंटीग्रेशन बेसिकली टाइप एडीसी होता है वो, तो उसको हम देखेंगे बेसिकली। इसमें इस टॉपिक से जो आपके ये चार टाइप के एडीसी हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले उसी से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा इसमें डिटेल अगर जाना है तो ईएस के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, यानी अगर आप पूरे डिटेल में पढ़ते हैं तो आप ईएस के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ईएस में आपको थ्योरेटिकल पूछ सकता है कि डिस्क्राइब 10 मार्क में थ्योरेटिकल पार्ट में कि फ्लैश टाइप एडीसी को पूरा आप डिस्क्राइब कीजिए, तो उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो चलिए हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसके लिए भी एक टॉपिक को देखेंगे, फ्लैश टाइप एडीसी को। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम नोट करते हैं, जो कि पीएसयू और गेट और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाते हैं वहां से। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है फास्टेस्ट एडीसी अमंग ऑल एडीसी। इस मींस कि आपके जितने भी टाइप के एडीसी हैं, फोर टाइप के जो एडीसी हैं, डुअल और सक्सेसिव और डुअल और काउंटर टाइप, उन सभी में ये सबसे फास्टेस्ट होता है, यानी ये सबसे फास्ट कन्वर्जन करता है। कोई भी एनालॉग इनपुट दीजिएगा तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड पॉइंट है, इन दिस नंबर ऑफ कंपैरेटर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन इंक्रीज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, हेंस इट इज नोन एज अ पैरेलल कंपैरेटर एडीसी। जिसमें आपके पैरेललिक हम अभी इसका सर्किट देखेंगे, ये थोड़ी सी दो तीन पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो पीएसयू के लिए या गेट के लिए भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट से। कंपैरेटर एडीसी किसे कहते हैं, तो ये फ्लैश टाइप एडीसी को कंपैरेटर एडीसी कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। हम इसको देखने के बाद हम जब सर्किट डायग्राम इसका बनाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि पैरेलली हम कंपैरेटर का कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन ऑफ कंपैरेटर की वजह से ये इसका स्पीड जो ऑपरेशन होता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, ये फास्ट होता है और कंपैरेटर टू अदर एडीसी, इसको हम पैरेलल कंपैरेटर या सिर्फ कंपैरेटर एडीसी भी बोलते हैं, या पैरेलल कंपैरेटर एडीसी भी बोलते हैं। ये आपके पीएसयू में पूछा गया है कि इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए आपको कंपैरेटर एडीसी किसे कहते हैं, तो ये फ्लैश टाइप एडीसी को कंपैरेटर एडीसी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, एन बिट कन्वर्जन मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर आर यूज 2n-1। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के और सभी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके अगर एन बिट अगर मान लीजिए 4 बिट का एडीसी डिजाइन करना है, फ्लैश टाइप एडीसी, तो उसमें कितने कंपैरेटर का यूज होंगे, तो होंगे 2n-1। यानी अगर मान लीजिए 3 बिट का फ्लैश टाइप एडीसी डिजाइन करना है तो 2n-3-1, यानी 7 कंपैरेटर का यूज पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आपका फोर्थ पॉइंट है, एन बिट कन्वर्जन 2n रजिस्टर आर यूज टू वोल्टेज रेफरेंस प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज। यहाँ देख लीजिए, एन बिट कन्वर्जन 2n रजिस्टर आर यूज टू प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज, यानी अगर आपके पास 3 बिट फ्लैश टाइप एडीसी है तो उसमें 2n-3 यानी 8 रजिस्टर का रिक्वायरमेंट होगा उसको डिजाइन करने के लिए। तो ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2n×n, लास्ट पॉइंट है 2n×n पैरिटी इनकोडर आर रिक्वायर्ड। पैरिटी इनकोडर हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो हम आगे देख लेंगे, बस आप ये याद रख लीजिएगा अभी तत्काल फिलहाल, क्योंकि आपके गेट और पीएसयू एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम इसके सर्किट डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं। ये सर्किट डायग्राम जो है वो 3 बीट फ्लैश टाइप एडीसी, ये आपका 3 बिट फ्लैश टाइप एडीसी का सर्किट है। थोड़ा सा इसमें स्पेस कम है वर्टिकली, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने छोटा बना रखा है, पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्लैश टाइप एडीसी में 2n-1 कंपैरेटर का यूज होता है। अगर जितना n बिट हम ये 3 बिट अगर कंपैरेटर है अगर तो 3 बिट है तो सॉरी 3 बिट एडीसी है तो 3 बिट आपका यानी आउटपुट होगा। तो यानी देखिए यहाँ 3 हमने बाइनरी आउटपुट लिखा हुआ है। उसके बाद
2 के पावर 3 माइनस 1 फॉर्मूला होता है कंपैरेटर का, 2 के पावर n माइनस 1 यानी कि 7 कंपैरेटर का यूज हुआ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंपैरेटर का यूज है। और 2 के पावर n रजिस्टर का यूज होता है, तो देखिए यहाँ पे 8 रजिस्टर का भी इस्तेमाल हो गया है। इसमें देखिए हमने ये आपका वोल्टेज है, इसका हमने ये जो वोल्टेज है ये इसका पोटेंशियल है जो आपका है वोल्टेज, यहाँ पर 7 वी रेफरेंस बाई आर, ए वी रेफरेंस वोल्टेज है, वी रेफरेंस बाई 8 और ए 6 वी रेफरेंस बाई 8। ये कैसे फाइंड आउट होता है, आपने मैंने जब मैं पढ़ा रहा था आपको नेटवर्क, तो उसमें मैंने नेटवर्क का 5-6 लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है माई अकेडमी पर, अभी बाद में और लेक्चर आएंगे। इसका रीजन यही था कि हमने जो एडीसी पढ़ना है और कंट्रोल सिस्टम का जो बेसिक पढ़ना है वहाँ पे हमें देखेंगे केवीएल केसीएल का यूज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत केवीएल केसीएल के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया। हालांकि आप पहले से भी बीटेक में पढ़ चुके होंगे, तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको सपोज कीजिए कि दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक, और ये आपका है सब, ये वी वन है और ये वी टू है, ये आर है, ये भी आर है, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल निकालना हो, मान लीजिए वी आर है ये, इसका पोटेंशियल वी आर का निकालना हो, तो करते क्या है, इस वी टू को और इस वी वन, इस रेजिस्टेंस को वी वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस अगर ये आर वन और आर टू है तो ये आर टू हो जाएगा, इसका इसके अपोजिट, और आर वन को वी टू के साथ, और बाय टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू करते हैं। ये नेटवर्क थ्योरी में पढ़ना है जो हम वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ मैं, और फिर दोबारा भी हम देखेंगे। तो उसी फार्मूला का यूज हुआ है वी रेफरेंस, ठीक, जो भी है वी रेफरेंस बाय अपोजिट इस साइड वाला, मान लीजिए कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 रजिस्टर इधर है, मान लीजिए यहाँ पर 7 रजिस्टर है, तो वी रेफरेंस ये है, तो वी रेफरेंस इंटू 7 रजिस्टेंस जो है 7 आर प्लस यहाँ पे देखिए ग्राउंडेड है, तो यानी कि ये रेजिस्टेंस इंटू ये ग्राउंडेड यानी जीरो वोल्ट, तो ये जीरो हो जाएगा और हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस यानी जितना रेजिस्टेंस है आर वन आर टू यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे आठों रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो जो आपका यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल वाले ये वी वन है, तो ये हो जाएगा 7 वी रेफरेंस प्लस आर, सॉरी हाँ वी रेफरेंस इंटू वी 7 आर इंटू आर बाई आर इंटू जीरो, इस रेजिस्टेंस को यहाँ ग्राउंडेड के साथ, यहाँ पे ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड के साथ जीरो मल्टीप्लीकेशन होगा, टोटल रेजिस्टेंस 7R प्लस R, तो यहाँ पे देखिएगा 7VR और यहाँ आर आर कॉमन हो जाएगा यहाँ 8, तो ये पोटेंशियल निकल गया। उसी तरह इसका भी निकालेंगे, तो उसी तरह करेंगे, तो सभी आप समझ गए होंगे अब कैसे हम यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। इसमें इस सर्किट में सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्स इज 1, यानी जो कन्वर्जन टाइम, टोटल कन्वर्जन टाइम जो होता है वो हो जाता है n इंटू टी क्लॉक, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो जाता है, तो टोटल टी क्लॉक हो जाता है, इसीलिए ये सबसे कम समय लेता है और आपका मैक्सिमम टाइम होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, जो आपका इसका कन्वर्जन टाइम, टोटल कन्वर्जन टाइम जो होता है वो हो जाता है सिर्फ टी क्लॉक यानी टी एस। और इसमें आपको ये बाइनरी आउटपुट हमें कैसे मिलेगा, ये आउटपुट इसका फंक्शनिंग यानी कि सर्किट का फंक्शनिंग कैसे कर रहा है ये हम देखते हैं। देखिए रेंज एनालॉग वोल्टेज और बाइनरी में आपका आउटपुट मिलेगा, तो अगर रेंज आपका जो है ये वी ए लेस देन वी आर बाई 8 है, यानी यहाँ पे देखिए वी ए जो है इनपुट वोल्टेज है और वी रेफरेंस है, अगर आपका वी ए यानी कि इनपुट वोल्टेज है अगर आपको वी रेफरेंस से कम होगा तो कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और कंपेयर करके अगर वी ए अगर आपको ग्रेटर देन वी आर होगा तो आपको लॉजिक यानी हाई आउटपुट देगा, अदरवाइज लॉजिक जीरो दे देगा। तो उस केस में इसमें देखिए वी ए जो है इनपुट वोल्टेज ये लेस देन है वी आर बाई 8 से, तो आपका लॉजिक हो जाएगा जीरो यानी जीरो 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 आपका आउटपुट मिलेगा। अगर आपका रेंज वी आर बाई 8 से लेके वी ए जो इनपुट का रेंज है वो हो जाएगा 2 वी आर बाई 8, तो इस केस में आपका 1 आउटपुट मिल जाएगा, ये जो वी आर है वी आर बाई 8 यानी इससे, और आपका 2 वी आर बाई 8, 2 वी आर बाई 8 यानी कि ये वी आर बाई 8 जो है ये इसके बीच में अगर आपका रहता है तो आपको मिल जाएगा 1 आउटपुट। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इन दोनों के बीच में आपका वोल्टेज रहेगा इनपुट वोल्टेज यानी कि वी आर बाई 8 बाई 2 से 2 वी आर बाई 8 के बीच में, तो आपका इनके बीच में रहेगा, तो ये आपका जो आपका कंपैरेटर है ये आपका आउटपुट
हाई दे देगा, क्योंकि हमारा VR8 जो है यहाँ है इससे अधिक हमारा वोल्टेज है VA, VR से 8 से आपका VR अधिक है। उस केस में आपका देखिए यहाँ पे कंपैरेटर जो है लॉजिक 1 दे रहा है, ये लॉजिक 2 दे रहा है, और 0 दे रहा था कब, जब हमारा VA जो था लेस देन था VR बाई 8 से। तो यहाँ पे आपका लॉजिक 1 मिलेगा यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे लॉजिक आपका 1 मिल गया। अगर आपका इनपुट जो है रेंज 2VR बाई 8 से लेके VA लेस देन 3VR 8 रहेगा, यानी कि इसके रेंज में रहेगा ये और इसके रेंज में रहेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझने के लिए, हाँ इसके और इसके रेंज, इसके रेंज में रहेगा अगर, तो देखिए इस रेंज में आपका आपका ये आएगा कनेक्शन यहाँ, और आपका ये VA इनपुट यहाँ पे होगा, कंपैरेटर आपका VA इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा भी रेफरेंस से, यानी कि 2VR बाई 8 से, तो उस केस में आपका लॉजिक 2 मिल जाएगा, यानी 0 1 0। इसी तरह ये बढ़ते जाएगा और यहाँ पे आपका 2 3 आउट मिलते जाएगा, 4 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, उसके बाद 6 मिलेगा, उसके बाद 7 मिलेगा, और यहाँ पे 3VR बाई 8 से VA लेस देन 4VR बाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4VR 8 से VA यानी कि 5VR बाई 8 हो जाएगा, उस तरह ये लिख लीजिएगा आप अपने से। तो ये था बेसिक सर्किट का ऑपरेशन। इस पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक दो, उसके बाद इस टॉपिक में हम प्रीवियस ईयर के आए हुए गेट क्वेश्चन को हम एक जगह हम डिस्कस कर लेंगे, पूरे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे एक जगह एक वीडियो में। तो चलिए इस टॉपिक से हम जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन 8 बिट फ्लैश टाइप एडीसी। तो आपका ये गेट 2002 में क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको गेट का क्वेश्चन सोल्व करा दिया एक दो, तो मैं फिर जब गेट का क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे इस क्वेश्चन को एस्केप कर दूंगा, क्योंकि बार बार दो को एक ही क्वेश्चन को दो बार तीन बार कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं वहां पे एस्केप कर दूंगा, बस मैं यहां करा दे रहा हूं आपको। तो आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर जो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर जो रिक्वायर्ड होता है बिल्डअप करने के लिए फ्लैश टाइप एडीसी के लिए कंपैरेटर, उसका फॉर्मूला होता है 2n-1। तो यहाँ पे 2 अगर आपको दिया हुआ है 8 बिट, तो 2n यहाँ रखिए, माइनस 1 कीजिए, ये हो जाएगा 2n कर लीजिए, आपके पास कंप्यूटर होगा 256 आएंगे, और माइनस 1 कर दीजिए यानी 255। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये दो एक नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये दो नंबर पता नहीं, लेकिन ये गेट का क्वेश्चन है तो वहां से आपको मैंने सॉल्व कराया है। और भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्लैश टाइप एडीसी से, तो हम गेट के जो क्वेश्चन है वहाँ पे करेंगे तो वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा जो दो और बचे हुए हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेटर रजिस्टर और डुअल इंटीग्रेटर DAC, तो उसको मैं एक ही लेक्चर में कवर कर लूंगा, ज़्यादा हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पे तो हम फार्मूला ही देख लेंगे, और अगर आपको ES का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ्लैश टाइप के लिए हो जाएगा, और वो दोनों के लिए हम मैं शॉर्टकट अपना लूंगा। देखिए आप अभी तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है माई अकेडमी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें माई अकेडमी के साथ जोड़िए, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे अच्छा लग रहा है आपको, तो क्योंकि इससे हमारा जो वीडियो होता है उसकी रैंकिंग बढ़ती है कि अच्छा है वीडियो यूट्यूब में, ठीक। तो आप जरूर लाइक कीजिए यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।